हज़रत गौसे पाक जिलानी शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अम्बिया। गौसे आज़म का वलियों में वही मकाम है जो नबियों में रसूल करीम का मकाम है। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बड़े एजाज़ात से नवाजा। एक एजाज़ अल्लाह ने यह दिया कि माँ की तरफ से हुसैनी है, बाप की तरफ से हसनी सैयद, नाना भी अल्लाह के वली, दादा भी अल्लाह के वली, फूफी भी अल्लाह की बहुत बड़ी वली है, बहुत बड़ी वली। वालिद गिरामी, आपने वो सेब वाला वाकया तो बड़ा ही सुना हुआ है, उस तरफ तो मैं नहीं जाता। माँ भी अल्लाह की बहुत बड़ी वली है। ये अल्लाह ना असबाब बनाता है, खुद माहौल बनाता है। आपके जो वालिद गिरामी थे उनका नाम था अबू साले सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह। बादशाह के कुछ सिपाही थे जो मटके उठा के जा रहे थे, और मटके थे शराब के भरे हुए, मटके उठा के जा रहे थे। हजरत सैयद मोहम्मद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ले भी करीब से गुजरे। ये क्या है भाई, बदबू से समझ तो गए, तस्दीक के लिए पूछा क्या है। उन्होंने कहा जनाब ये बादशाह का सामान लेके जा रहे हैं। आप तो झंडे वाली गाड़ी को वैसे नहीं ना पूछ सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप चूंकि जमहूरी लोग हैं, आपने तो बस दफ्तर बनाना है, जब इलेक्शन होगा ना अपने दरवाजे के सामने सारे मोहल्ले से लड़ाई लेनी है कि वोट मेरे आके दें। फिर ठीक डेढ़ महीने के बाद सजदा साफ भी कर जाते हैं, बंदा गलत सी मैंने पता ही नहीं लगा, तो ये पहले सोचना तो थोड़ा सा। ऐसे ही बिला वजह इलेक्शन तो रोज कभी कभी आएगा, तो हमने एक जगह तो रोज रहना, एक दूसरों से झगड़े करना और माज़ अल्लाह ताला गीबतें करना, इज्जतें उछालना, ये मुसलमान का शेवा नहीं है। हजरत गौसे पाक के वालिद ने पूछा क्या लेके जा रहे, बादशाह का सामान है जी। हाथ में डंडा था, तीन मटके थे शराब के भरे हुए, जोर से एक एक डंडा मटकों पर मारा तो मटके उनके सरों पर टूट गए। बादशाह सलामत, हम सारे तकरीबन बादशाह सलामत होते हैं। ये किसी की जरूरत है मतलब मेरे घर के मामले में मुदाखलत करे हो, फिर बादशाह हो। लोगों ने जाके बड़ी गीबतें की, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई। उसने तो तोड़ दिया जी मटके आपके, ने कोई हाल नहीं छोड़ा। तो बादशाह कहने लगा बुलाओ सैयद मूसा पाक जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह को। बुला लिया तो कहने लगे बादशाह तुम्हें पता था मटके किसके हैं? आप फरमाने लगे पता था मुझे। कहा क्यों तोड़े? फरमाया इसलिए तोड़े कि मुझे तेरे ऊपर रहम आ गया था, तू अगर शराब पिएगा तो दोजख में जलेगा, मुझे रहम आया था मैंने तोड़ डाले। तो कहने लगा आप कौन है? तो आप फरमाने लगे मैं मुहतसिब हूँ, मेरी हिसाब किताब लेने की ड्यूटी है, मुहतसिब हूँ, गलत आदमी का हिसाब करूँगा। तो बादशाह कहने लगा किसने ड्यूटी लगाई आपकी? फरमाने लगे मेरी ड्यूटी मेरे रब करीम ने लगाई है, मेरी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, मुसलमान के जिम्मे है अच्छाई का हुक्म देगा बुराई से रोके, ये जिम्मेदारी है मेरी, अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है। बादशाह पे इतना रोब तारी हुआ कि कहने लगा हुजूर आपकी बड़ी मेहरबानी आपने ये काम किया। कहने लगा जनाब अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आपको मुहतसिब ना बना दूं, आप मेरे वजीर बन जाएं, कोई बंदा इस तरह का काम करे तो उसे रोकें। तो आप फरमाने लगे नहीं, तो अपनी नौकरी संभाल के रख, जिसे अल्लाह ड्यूटी पे लगाए उसे फिर बंदों की ड्यूटियां नहीं करनी चाहिए। ये एहसास अल्लाह ने उन्हें दिया, ये शान रब करीम ने अता फरमाई। उनके साहिबजादे थे हजरत गौसे पाक जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ताला ने जब किसी शख्स से काम लेना होता है तो अल्लाह उसके लिए असबाब भी खुद ही पैदा कर देता है। अल्लामा इकबाल अपने उस्ताद की बड़ी कदर करते थे शम्सुल उलमा की। तो एक दिन हजरत शम्सुल उलमा से कहने लगे उस्ताद जी आपकी मेहरबानी से पढ़ गया हूँ। तो फरमाने लगे पुत्र तेरी क्लास में तो पौने 200 लड़का था, मेरी मेहरबानी तो सब पे थी पर सारे तो इकबाल नहीं ना बने। फरमाने लगे तेरे अंदर भी कोई खूबी थी इसकी वजह से अल्लाह ने तुझे ये एजाज, कोई थी कोई चीज तेरे अंदर। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को नवाजता है ना तो बंदा भी मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत से ज़्यादा अल्लाह के फजल का दखल होता है। तो बंदे कई दफ़ कहने लग जाते हैं बड़ी मुशक्क़त की, बड़ी मेहनत की, कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा अल्लाह के फजल का ही निसार होता है। पर रब जैसे चाहता है वैसे फैसले देता है। आप फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, वालिद इंतकाल कर गए, वालदा थी मेरी और हम दो भाई थे। फरमाते हैं बच्चे खेलने के लिए निकले तो मैं भी उनके पीछे खेलने निकल गया।
एक बैल बच्चों के काबू आ गया। तो बच्चों के काबू को चीज आ जाए तो फिर वो उसका जो हाल होता है वो तो हमें पता ही, हम सारे बच्चे रह चुके हैं। तो कहते हैं वो बैल काबू आ गया, कोई उसके कान छेड़ता, कोई उसकी दुम छेड़ता, कोई उसके सींग छेड़ता, कोई किसी जगह से उसे तंग करता। मुख्तलिफ बच्चे उसको ना दुम से पकड़ के हिलाते, बैल भागता। हुजूर गौसे पाक फरमाते मैं भी आगे बढ़ा और मैंने जब उसकी दुम पकड़ के हिलाई तो बैल ने मेरी तरफ मुंह किया और कहने लगा, अब्दुल कादर तू तो नाना ऐसे कर, बोल के कहने लगा तू तो नाना ऐसे कर, तुझे रब ने इन कामों के लिए पैदा नहीं फरमाया। आप फरमाते मुझे इतना खौफ तारी हुआ, बैल को बोलते देखा था पहली दफा, बैल को। अब मेरे सुन्नी को भी दलीलों की जरूरत होती है ना, दलील ना दें, किसी बुजुर्ग की बात सुनाए तो सुन्नी भी थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं देखता है। ये शोर ऐसा हुआ है ना, प्रोपेगेंडा ऐसा। मैं हदीस पाक सुना देता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स ने बैल पे सवारी कर ली थी। बैल सवारी के लिए नहीं पैदा किया गया, सवारी के लिए ऊंट हैं, खच्चर हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, बैल खेती बाड़ी के लिए। उस शख्स ने जब बैल पे सवारी की तो बैल पीछे मुड़ के देखने लगा और कहने लगा, यार तू बड़ा बेवकूफ है, बोल के। कहने लगा, मुझे अल्लाह ने सवारी के लिए नहीं पैदा किया, मेरे से वो काम ले जिसलिए मैं पैदा किया गया हूँ। तो बंदा डर गया, कहने लगा, बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं कि बैल बोलता है? तो बैल फिर बोल पड़ा। कहने लगा, इससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। उसने कहा, वो क्या? कहने लगे, मदीने में नबी पाक आ गए हैं और तूने अभी तक कलमा ही नहीं पढ़ा, ये उससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। जामिल मौजजात में हदीस मौजूद है, हुजूर आ गए और तूने कलमा ही नहीं पढ़ा। वो शख्स कहता है, मैं सर पट दौरा, जब आके सामने खड़ा हुआ तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया, आजा पढ़ ले कलमा, मुझे पता है तुझे किसने भेजा है। अल्लाह वालों की बातें मान लिया करें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, रब करीम के कोई बंदों की बात किताबो सुन्नत के खिलाफ नहीं होती, वही तो किताबो सुन्नत आगे पहुँचाने वाले होते। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मैं वो डर के घर आया, जब घर पहुंचा तो मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। फरमाते मैं छत पे चढ़ा और मैंने जीलान में अपनी छत पे खड़े होकर देखा, तुम हज के दिन थे, मेरी सीधी नज़र मैदान अरफात पे गई। लोग मैदान अरफात में बैठ के लब्बैक लब्बैक पढ़ रहे थे। पहले मैं वहाँ से डर के आया, फिर छत से डर के नीचे उतरा, माँ को सारी बात बताई। तो कहती है, मेरी माँ कहने लगी, बेटे जब तू पैदा होने वाला था तो मुझे बड़ी बिशारतें मिलती थी। फरमाते हैं, माँ ने ना खोला बक्सा सिंदूक तो 80 दिनार निकाले। फरमाया, पुत्र तुम दो भाई हो और तुम्हारा बाप कुल जागीर ये 80 दिनार छोड़ गया, 80 40 तुम्हारे 40 तुम्हारे भाई के। फरमाया, बेटा एक बात का ख्याल रखना, मैं और तू तुम्हारा बाप कोई नहीं, भाई छोटा है, मैं पीछे नहीं आ सकता। ये 40 दिनार ले जा और जा बगदाद चला जा, जाके तालीम हासिल कर, बेटे मैं पहुंच नहीं सकती, ख्याल रखना। गौस पाक फरमाते हैं, 12 साल मैंने तालीम हासिल की, यारो मैंने पत्ते भी खाए और खुद आपका फरमान मौजूद है। फरमाते हैं, ऐसी सख्तियां भी देखी, ऐसी सख्तियां भी देखी कि पत्थरों और पहाड़ों पे गुजरती तो शायद पिघल जाते, लेकिन मैंने अपने नबी का दीन पढ़ा। अब तो पीर के घर में जो पैदा होता है वो इल्मे लदुन्नी वाला होता है। तो सबदा पुत्र है, ओ खुदा के बंदे सबर कर, अगर गौसे पाक हसनी हुसैनी सैयद होके बकायदा फट्टी पे बैठ के पढ़ते हैं, तू किस पीर का मुरीद हो गया जिसे इल्म ही कोई नहीं, जो जाहिल आदमी है। ये जरूरी है, उलूम दीनिया जरूरी हैं, इसके बगैर काम नहीं चलता। और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आप पूरी जिंदगी पढ़ के देख लें, गौसे पाक तमाम औलिया के इमाम है, सारी जिंदगी। गौसे आजम से किसी ने पूछा, आपने सबसे ज्यादा दीन का काम किस तरह किया? तो फरमाते हैं, तकरीर के जरिए। अब तकरीर करने वाला मौलवी होता है और तवीज देने वाला, सुभान अल्लाह। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने दीन का सारा काम किस जरिए से किया है? हफ्ते में 3 जलसे करते थे और 70,000 का मजमा होता था और बगैर लाउड स्पीकर के तकरीरें होती थी। और फरमाते हैं, जैसी समझ पहले बंदे को आती थी वैसी आखिरी वाले को आती थी। लोगों ने कहा, हुजूर ये कर्म कैसे हुआ? फरमाने लगे, मैंने जब तालीम हासिल कर ली तो बोलना आता ही नहीं था, तो मैं बड़ा परेशान एक दिन सो गया तो ख्वाब में रसूल करीम का दीदार नसीब हुआ। फरमाया, तेरी तू वाज किया कर, तेरे वाज से लोगों को फायदा होगा। या रसूलल्लाह, मैं अजमी बंदा हूँ, लोगों के सामने कैसे बात करूंगा? तो हुजूर ने फरमाया, मुंह खोलना जरा। कहते मैंने मुंह खोला तो महबूब ने 7 दफा लुआबे दहन डाला मेरे मुंह में। आप फरमाते हैं, फिर बोलता मैं था, असर कोई और पैदा कर देता। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने 40 साल दीन का काम किया। सुबह के वक्त फिका का दरस देते थे फजर के बाद,
कुछ देर कर नाश्ता करते सो जाते, फिर आके मदरसे में पढ़ाते बकायदा बच्चों को। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर आप सारी किताबें पढ़ लें, सारी किताबें लो, मैंने भी बड़ा ही दावा कर दिया, यानी सारी किताबें जितनी अब तक छपी हुई है सारी पढ़ लो, कहीं नहीं मिलेगा कि हम गौसे पाक के आस्थाने पे गए। गौसे पाक, किसी बंदे ने ये नहीं कहा हम गौसे पाक के आस्थाने पे गए, गौसे पाक के दरबार पे गए, सब ने यही लिखा है कि हम हुजूर गौसे पाक के मदरसे में गए। हमारे ना मदरसों में सबक तकसीम होते हैं, साल जब शुरू होता है ना तो सबक तकसीम होते हैं, हमारे मदरसे में भी तकसीम करते हैं हमारे मौलाना, आप हदीस पाक पढ़ाएंगे, फलाना उस्ताद मंतक पढ़ाएगा, फलाना फलसफा पढ़ाएगा, फलाना ये सबक तकसीम होता है, फलाना कुरान, फलाना हदीस, फलाना फिका। तो गौसे आजम के मदरसे के जो नाज़िम तालीमात थे वो कहने लगे हुजूर सबक बांटने हैं तो आपको कौन कौन से सबक दे दें, कौन कौन सा पीरियड पढ़ाएंगे, तो आप फरमाने लगे नहीं पीरियड रहने दो हुजूर। फिर फरमाए इस तरह करो लायक लायक बच्चे तुम रख लो और नलायक सारे मुझे दे दो, मैं जानूँ और नलायक जाने, नलायक सारे मेरे। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला नलायक सारे रख लिए कुंद ज़ेन, और हुजूर गौसे पाक उनको असबाक पढ़ाया करते, उन पर मेहनत करते। फजर के बाद फिका का दर्स, 10 बजे मदरसे की क्लास, जोर के बाद हदीस पाक का दर्स, मगरिब के बाद तफसीर बयान करते। बांझ इल्मों जो करे फकीरी वो काफिर मरे दीवाना। और इशा की नमाज के बाद हफ्ते में 3 जलसों से खिताब, और ये सारे काम करके ना तो फिर भी गौसे आदम जब दुनिया चली जाती तो वजू करके मसल्ले पे बैठ जाते, और 40 साल बीत गए सारी रात अल्लाह की बारगाह में इबादत करते 40 साल। हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ा एजाज दिया, किताबें लिखी, ड्यूटी की, मेहनत की, कोशिश की पूरी दुनिया में। मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर बताता हूँ, ये जो सलाहुद्दीन अयूबी का बहुत नाम लेते हैं ना, बहुत बड़े मुजाहिद थे, सलाहुद्दीन अयूबी के साथ 70,000 की फौज थी, सारे के सारे गौसे पाक के मुरीद थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने हुजूर गौसे पाक की ज्यारत नहीं की पर तालीम गौसे पाक के मदरसे में हासिल की। इसको बड़ा शौक हो ना किताबें देखने का, वो मेरे पास आए मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सलाहुद्दीन अयूबी हुजूर गौसे पाक के मदरसे का तालिब इल्म है। ये आपके मुल्क में 2-3 दिन से रट्टा चल रहा है वकीलों का, डॉक्टरों का, कल से यूनिवर्सिटी का भी चल गया है। ये लड़ाई किसी मौलवी दो ग्रुपों में हुई होती ना, चलो नाम बोलो मैंने तो पता है अगली गल जाए, किसी मौलवियों के दो मदरसों में होती ना तो जो तूफान उठना था ना हर चौक में मौलवी लड़ांदे बड़ा नहीं। ये बड़ी मैंने दावत दी थी परसों, मैंने कहा जब वकील मुकम्मल तालीम कर लेना उसे 2 साल मदरसे में लाओ, हम उसे सिखाएंगे उठना कैसे है बैठना कैसे है, इनको लाओ। इसलिए कि हम अपनी बात नहीं बताएंगे, हम बताएंगे मोहम्मद अरबी की बातें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहरबानी करो, मुझे कोई शिकवा नहीं उनसे कोई किसी किस्म का, इसलिए कि हमारे मुल्क में ना एहतजाज का कल्चर प्रमोट किया गया, हमने ये माहौल बना के दिया सड़क ब्लॉक करने का। ये हमारे करीब एक गाँव है तो रोज डकैतियाँ होती थी, बच्चा भी कतर, पुलिस वाले सुनते ही नहीं थे, उन बेचारों ने रोड ब्लॉक किया तो सब सही हो गया, उसी वक्त सारा कुछ हो गया, अब पहरेदारी भी लगती है, अब ना चौकियां भी कायम हो गई, सब कुछ हो रहा है, मिजाज बना दिया हमने। ये अदम बर्दाश्त है, ये कल्चर खतरनाक है, ये कल्चर तबाह करे। वकील कोई गैर नहीं, हमारे अपने भाई हैं, कौन है वो डॉक्टर कौन है हमारे अपने, ये जो बच्चे यूनिवर्सिटी में लड़े कौन है हमारे अपने, हम इनको काट के नहीं फेंक सकते, ये कोई दूसरे लोग नहीं, सबको जरूरत है एक दूसरे की, लेकिन खुदा रहा मेहरबानी करो मुआशरे में बर्दाश्त का कल्चर पैदा करो, सुकून का कल्चर पैदा करो, सहना सीखो। सुनो एक बात करता हूँ, अल्लाह करे कि मैं समझा सकूं, सारे फैसले खुद ना करो, अगर तुम्हें नजर आए ना कि आपके साथ कहीं ना इंसाफी भी हो रही है तो सारी अदालतें दुनिया में नहीं लगनी, एक कयामत में भी लगनी है। हाँ इमाम हसन को जहर दे दिया गया तो इमाम हुसैन कहने लगे भाई बताओ किसने दिया है, फरमाए हुसैन अगर वही वो नहीं जिस पर मुझे शक है तो मैं किसी आदमी का बिला वजह तुम्हें नाम क्यों बता दूं, कब फिर भाई आप इशारा तो नहीं बता दे, तो फरमाए हुसैन अगर वही है ना जिस पर मुझे शक है तो फिर भी मैंने फैसला अपने रब पे छोड़ दिया, फरमाया मेरे रब से ज्यादा बेहतर फैसले करने वाला कोई मौजूद
कुछ फैसले अल्लाह पे छोड़ दो। आप यकीन करें आपको बड़ा ही मजा आएगा, आपको सुकून आएगा जिंदगी में। कुछ फैसले अल्लाह पे छोड़ो, बर्दाश्त का कल्चर प्रमोट करें इस वतन के अंदर। ये बड़ा प्यारा मुल्क है, इसमें बर्दाश्त का कल्चर पैदा करें। वकील को हर वक्त डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर को हर वक्त वकील की जरूरत है। हम एक दूसरे के बगैर देखे ना, मैंने आईन भी रखा हुआ है पाकिस्तान का, लेकिन इसके बावजूद कोई मसला बन जाए तो मैं किसी वकील साहब को फोन करता हूँ, मेरे दोस्त है, मैं पूछता हूँ कि यार ये मसला है, इसका क्या हाल है। हम मिलके रहते हैं मुआशरे में, बर्दाश्त के कल्चर को प्रमोट करें, प्यार करें, मोहब्बत बांटे। ये वतन है, इसको मिल के संवारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये रसूलुल्लाह के दीन का किला बनेगा, बड़ा मजबूत। इस पे इससे प्यार करें, मुसबत गलत बात है तो उसको आप समझाएं, उस पर तबलीग करें, लेकिन ये न करें कि आप अदम बर्दाश्त का माहौल पैदा करें। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला नो दीन का एक बात, अल्लाह वालों के पास लोग दुआओं के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? सुनो, मेरे साथ एक शख्स रहता है, सुबह से शाम तक मेरी ड्यूटी करता है, नौकरी करता है, खिदमत करता है, गाड़ी चलाता है, ये करता है, वो करता है। एक साहब है जो 3 साल के बाद मिलते हैं, फिर वो जो 3 साल के बाद मिलते हैं वो शिकवा करते हैं कि पीर साहब इसकी बात ज्यादा मानते हैं। तो पीर साहब अब किधर जाएं? ये सारा दिन पीर साहब की मानता है, नहीं समझ आ रही आपको बात? ये मिजाज है ना जी। एक बंदा सारा दिन दुनियादारी करे, माल कमाए, पता नहीं झूठ बोले, बड़ा कुछ करे, और एक अल्लाह का वली जो अपना बनाए कुछ ना, सारा दिन रसूलुल्लाह की बातें करे, सारा दिन अल्लाह के दीन की खिदमत करे, और भाई वो जब हाथ उठाता है ना तो फिर अल्लाह उसकी बात को कबूल करता है। कुछ मेरे खास हैं, कुछ तेरे खास हैं, तो कुछ रब के भी खास हैं। और उस पर भी मैं पहले आयत पढ़ लूंगा ताकि दलील मजबूत हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशा, फरमाया मैंने कुछ बंदों को अपनी रहमत से अपना खास बना लिया। कुछ बंदे अल्लाह के बस अल्लाह के बारगाह में वो दुआएं करते हैं तो अल्लाह कबूल फरमा लेता है, पुत्र अल्लाह ही देता है। लेकिन अल्लाह का वली दुआ तो कर सकता है ना, अल्लाह का वली, मेरी बात की समझ आ रही है? बेटा कौन देता है? अल्लाह हजरत मुहद्दिस आदम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स ने आके कहा जी वली अल्लाह बेटा दे सकता है? आप फरमाने लगे वली अल्लाह अल्लाह से मिला सकता है? कहते जी वो तो है ही वली अल्लाह, तो उसने मिला देना है। तो फरमाया जो अल्लाह से मिला दे बेटा तो छोटी सी बात है, तू देख ना कि जो अल्लाह तक तुझे ले गया तो फिर पुत्र पीछे रह गया। लेकिन बेटा देता कौन है? बोल के बताए, बोल के अल्लाह देता है। दुआ कौन करता है? अल्लाह का वली दुआ कर देता है। बीबी आ गई रोती हुई गौसे पाक के पास, कहने लगी 6 बेटियां हैं। खामद और ससुर कहते हैं कि 7वीं भी बेटी हुई तो तलाक दे देंगे। थोड़ा सा अगर बंदा मालदार भी हो तो फिर वो हमारा दिमाग जहां मर्जी चलता है ना, नहीं ये जहालत आज भी बहुत सारी जगहों पे पाई जाती है। तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो रो पड़ी हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने बुलाया उसके शौहर को भी और ससुर को भी, फरमाया ये देख ये तो अल्लाह के काम है, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे। तो जो नहीं मानते हुजूर गौसे पाक की भी नहीं मानते, उन्होंने कहा जी नहीं दी, मैं तो निकाह करूंगा। चले गए तो गौसे पाक की बारगाह में वो बेटी और उसका बाप और उसकी माँ फिर आए, कहने लगे हुजूर मेहरबानी फरमाए। फिर अल्लाह के वलियों के पास एक कुव्वत होती है जिसका नाम मुसल्ला है। मुसल्ला बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी। हुजूर ने फरमाया दुआ सलाहुल मोमिन, फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है। ये मोमिन जब हाथ उठाता है तो फिर अर्श का मालिक दरवाजे खोल देता है करम के। हुजूर गौसे पाक ने मुसल्ला बिछा लिया और रो पड़े, कहने लगे मालिक करीम उस बीबी के दिल में किसने बात डाली थी कि अब्दुल कादर के दरवाजे पे जा। देखे मनाने का अंदाज, मनाना आता है ना, अल्लाह किसने उसके दिल में बात डाली कि अब्दुल कादर के दरवाजे जा, किसने डाली? और मालिक अगर तू नहीं डाली थी तो क्या तू अब अपने अब्दुल कादर को रुसवा करेगा? अगर तू नहीं भेजा है कि उधर जा तो अब तू रुसवा करेगा? हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने दुआ मांग के चेहरे पे हाथ फेरे, बच्ची के सर पे हाथ रखा, फरमाने लगे पुत्र जा, मुझे उम्मीद है अल्लाह ने 6 बेटियां दी हैं तो 7 बेटे भी अता फरमाएगा। तो बीबी कहती है फिर रब ने फजल फरमाया और 7 ही बेटे अता फरमाए, फिर 7 ही बेटे रब करीब ने दिए। तो जो अल्लाह की मान था फिर अल्लाह भी उसकी, तो इसमें इख्तलाफ की क्या बात है? ये सादी सी बात है। एक बगदाद का सौदागर था,
बड़ा मालदार था। एक दिन उसने बगदाद के सारे उलमा और मशाइख की दावत पकाई तो गौसे पाक के पास भी आया। कहने लगा, हुजूर शाम का खाना है। आपने उसका चेहरा देखा तो वो रो पड़ा। कहने लगा, बगदाद के पीर इनकार न करना। आपने फरमाया, तो जा मैं आऊँगा। शागिर्द मुरीद कहने लगे, हजरत जी आप बड़ी मशगूलियत थी शाम को। फरमाया, इतना बड़ा आदमी जब रो पड़ता है तो लगता है बड़ा मजबूर है। चलेंगे चलेंगे चलेंगे। शाम को जब उसके दरवाजे पे गए तो खाना भी उसने चुना तो साथ उसने एक टोकरा एक संदूक भी ला के रखा ऊपर से खाली। जब गौसे पाक ने उठ के देखा तो अंदर उस सौदागर का बेटा, उस ताजर का बेटा, दोनों टांगों से माजूर, दोनों हाथों से माजूर, एक ही बेटा अपाहज है। वो ताजर रो पड़ा। कहने लगा, हुजूर बड़ी दुनिया जानती है, बड़ा माल है, पर जब तन्हा बैठता हूँ तो खोल के रोता हूँ। वो बेनियाज है ना, सारी जिंदगी के बाद एक बेटा दिया तो वो भी अपाहज है। हुजूर बाल सफेद हो गए। लोगों की औलाद बुढ़ापे का सहारा बनती है। मैं बूढ़े वक्त में इसको उठा के पेशाब पखाने के लिए लेके जाता हूँ। बगदाद के अब्दुल कादर, सुना है जब तू दुआ मांगता है तो रब कबूल फरमा लेता है, तो मेहरबानी फरमा, अगर मेरा पुत्र ठीक हो जाए, मेरा जोर कोई नहीं, मालिक बेनियाज ही बड़ा है, अगर मेहरबानी हो जाए तो। गौसे पाक ने फिर मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछा के कहने लगे, मालिक तू अपने बंदों के दिल मेरी तरफ क्यों मोड़ता है, और अगर मोड़ता है तो फिर रहमत की नज़र फरमा, बंदा नवाजी फरमा। एक बाप इतने रो रो के आंसू बहा रहा है तो करम नवाजी फरमा। हुजूर गौसे पाक ने अभी चेहरे पर हाथ नहीं फेरे कि बच्चा अल्लाहु अकबर कहता हुआ संदूक से बाहर निकल आया।